सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर बॉय रिची फ्रॉम रिचीजा फीड। और आज हम जानेंगे हाउ टू फॉइल योर बाउल, पर इसमें हम डिफरेंट टाइप के सभी जो बाउल्स हैं वो ऐड करेंगे और बताएंगे कौन सा बाउल के ऊपर कैसा फॉइलिंग अपना करना है। तो इसके लिए हम स्पेशली आज यूज़ कर रहे हैं नारगिल का हुका फॉयल, जो कि सबसे ज़रा प्रीमियम और बहुत ही ज़रा बेस्ट फॉयल है, और आप इसको कहीं से भी ले सकते हो। स्पेशल सीरट कासल के पास अवेलेबल है इंडिया में, और जस्ट लोट्रियम के पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके पास अवेलेबल है, उनको DM कीजिए ये लेने के लिए। 25 माइक्रोन और ये फूड ग्रेड है। यस सर, तो इसकी मैंने 3 शीट्स पहले रेडी कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 टाइप के शोकेस करने वाला हूँ बाउल। तो मेनली यहाँ पे अपना नॉर्मल वाला, मेनली यहाँ पे हमारे पास अपना नॉर्मल वाला जो ओब्लाको मोनो है। पर इसमें खासियत क्या है ओब्लाको मोनो में, ओब्लाको मोनो में ये है कि जो इसका जो रिम है ना ऊपर वाला, ये है फ्लैट है। यानी जैसे कि अगर आप अपना ग्लेस बाउल देख लें, ठीक है, जो इसकी एजेस है ना, इस तरीके से आधी राउंड में आती है, यू शेप में। और यहाँ पे जो अपना ये स्टाइल बाउल है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी राउंड और थोड़ी सी बाहर को फैलती है, ठीक है, आगे जाकर। तो ये फ़र्क है इन तीनों बाउल्स में, और मेनली सभी के सभी बाउल्स इसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर होता है वो फ्लैट, या फिर होता है वो राउंड, या फिर होता है वो ये। और मेनली क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को, जैसे कि वो ये वाला बाउल ले लें और वो पैक करने लगते हैं, तो मैं करके दिखाऊंगा, वैसे मेरा फटता तो नहीं है पर करके दिखाऊंगा, वैसे करते करते उनका ऐसे फट जाता है। जो उस फटने का कारण मेनली दो होते हैं, एक तो होता है कि उनके यहाँ पे फ्लेवर लगा रह जाता है, और ये अपने ग्लेज वाले बाउल है उनमें क्या इशू आ जाता है कि जो फ्लेवर है यहाँ पे लगा रह जाता है, उसको वो किसी कपड़े वगैरह से पहले साफ कर ले आराम से चारों तरफ से। फिर क्या आएगा, साफ करने के बाद उनको वो जो उनका बाउल के ऊपर जब फॉइल लगाते हैं वो खिसकेगा नहीं, जैसे कि ऐसे ही ढीला रहता है, खिसकता रहता है, वो खिसकेगा नहीं। और बस फिर क्या, आराम से इसको तुम पैक कर सकोगे, ठीक है। ये तुम्हारा जब वो खिसकेगा नहीं, तुम्हारा इधर उधर फॉइल नहीं जाएगा, प्रॉपरली इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। और हमेशा अपने इसके अंदर छेद करने से पहले इसको पहले अच्छे से ड्रम टाइट करें, फिर छेद करें। छेद करने के बाद फिर से एक बार दोबारा से ड्रम टाइट करके अपने फॉइल को रेडी करें, और इससे आपका फॉइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और हैवी ड्रम पैक शो होएगा, ठीक है। और फिर आते हैं अपने फ्लैट में। मैं कहूँ कि अगर प्रोवोस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है, और अगर नहीं भी कर रहे, अगर तुम सीधे कोल ऊपर रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो ऐसे क्यों, और इसके ऊपर जो फॉइलिंग है वो सबसे ज़्यादा आसान है, तो ऐसा क्यों है कि जैसे कि अपना फॉइल लिया, इसके ऊपर रखा, तो जब इसको हम दबाएंगे ना, पहले से ही हमने इसको इस हिसाब से दबाना है कि वो जो इसके एजेस हैं वहाँ पे पूरी टाइट फिटिंग आ जाए। यानी कि जैसे कि ये ढीले वाला सीन ना हो, इसको पहले से ही प्रॉपर टाइट कर देना है, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। और फिर अपनी इस लाइन को ऐसे रब कर देना है, तो आपको एजेस दिख जाएंगे कि आपके बाउल के कहाँ तक एजेस हैं, और आप उसके एजेस के अकॉर्डिंग अंदर अपने फॉइल पे जो पिनिंग है इन एजेस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, जैसे कि स्लिपनेस का आता है, जो भी होता है स्लिप हो जाता है आपका फॉइल पैक करते करते, वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा इसमें इशू स्लिप होने वाला। और आपका बढ़िया से छेद करने के बाद एक बार फिर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसको आप ऐसे करके अपने ओब्लाको मोनो को पैक कर सकते हो, और यहाँ पे पूरी टाइट फिटिंग, और फिर से एक बार हल्का सा हाथ ऐसे रिम के ऊपर घुमा देना है, जिससे कि ये पूरा लॉक हो गया। अगर फॉइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रोवोस यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसके ऊपर छेद करोगे तो इसके अंदर जो एजेस है लॉक होने के कारण हीट यहाँ से लीक नहीं होगा, बराबर हीट जाएगा फ्लेवर में, ये सीन है। और तीसरा हमारा जो ये बाउल है, ये सबसे ज़रा सिंपल, और मेनली ज़्यादातर सभी बाउल्स में यही कैटेगरीज आते हैं। इससे एक आधा डिफरेंट बाउल आता है, पर वी डोंट हैव दैट वन एट द मोमेंट। तो ये है सबसे ज़रा इजी पैक करने वाला, ठीक है, और बस इसके एजेस के थ्रू जाते रहिए। और
तो मेनली क्या होता है, जो ये वाला बाउल है उसकी जो एजेस है बहुत ज़्यादा रफ होती है, जिसके कारण इससे ऊपर जो अपना फॉइल है वो खिसकता नहीं और बढ़िया पैक होता है, मेन रीज़न है। शीशा फीड भी कई बार बेकार पैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले ऐसे किया, शेप किए, फिर से एक बार दोबारा से ड्रम टाइट करने के लिए इसको एजिस पूरे शार्प तरीके से, इसके जो एजिस है शार्प तरीके से बंद करके लीकेज ना हो। और ये वंस मोर, और ये जो चीज़ है जो हम ये करते हैं, ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बाउल ऐसे होते हैं जिनका कि जो अपना फनल है, ठीक है, जैसे कि ये फनल है, इसका जो रिम है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, जैसे कि ओब्लाको एम में है। तो एम में मैं गलती से भी अगर मैं प्रोवोस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एज नहीं करता, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि इसका जो ये जो बाहर को निकला हुआ है ये वाला स्पॉट, ये कई बार टच करने लगता है फॉइल से, जिसके कारण कि जैसे आपने होगा बस की अल्पाका बाउल वाली वीडियो भी देखी होगी, उसने उन्होंने यहाँ पे फॉइल रखा हुआ था जिससे कि जो प्रोवोस था थोड़ा सा ऊपर रह रहा था। वो सेम इशू आपको इसमें भी आ सकती है, और वो आती है कि वो फॉइल को जब हम ऐसे एजिस से दबा देते हैं तो प्रोवोस अपनी पूरी जगह बना लेता है उसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक तरह से एक मिनट रुका एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने किया ये फॉइल, आज फॉइल की बर्बादी बहुत होने वाली है, अभी दिखाता हूँ। और मैं बाउल भी दूसरा ही लेता हूँ, जला पड़ा है थोड़ा सा पर फिर भी चलेगा। तो ये रहा बाउल भी अपना वही वाला जिसमें ये इशू आता है। तो मेनली इस बाउल में ये वाला इशू आता है कि इसकी जो ये फनल है ये थोड़ा सा ही डायामीटर में फ़र्क है अपने बाहर के एज के। अगर ये बाहर का एज अंदर के अपने एज से थोड़ा सा बड़ा है, फिर आप आराम से वो वाला कर सकते हो, जिससे कि आपका हीट बाहर लीक नहीं होगा। अगर नहीं तो आपको बता दो क्या इशू आएगा। पहले तो अभी देखो यहाँ पे इसके फ्लेवर लगा रहा साइड पे, तो अभी मेरा फॉइल स्लिप हो रहा है, ये देखो स्लिप हो रहा है। तो इस स्लिपनेस से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना तुम जो एजिस है उसको साफ करो, नहीं तो ये देखो अभी भी स्लिप हो रहा है। पर पैक कर दिया, और तुमको ये चीज़ बताता हूँ क्या सीन है। तो ये पैक कर दिया हमने बाउल, ठीक है, पूरा ड्रम टाइट। और इसमें अभी मैं इसके एजिस को ये मैंने दबा दिया, और अभी क्या आ रहा है अगर देखा जाए प्रोवोस का वेट है वो इसके ऊपर डल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर दो कोल का वेट और डलेगा, ठीक है। अब जब दो कोल का, चाहे वो इग्नाइट हो या ना हो, इसका वेट डलेगा और प्रॉपर प्रोवोस्ट मेरा जो है, सॉरी मेरा प्रॉपर प्रोवोस्ट है जब वो बंद होएगा, तो बंद होने के बाद उसका क्या होएगा, जो वेट है पूरा प्रॉपर वो इसके ऊपर दब रहा है, और वेट के कारण जो अपनी सेंटर वाली फनल है उसके अंदर जोर लग रहा है, फॉइल उसके साथ टच हो रहा है, जिसके कारण अगर ड्रैग लोगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टोटली, या फिर थोड़ा बहुत आएगा। तो अभी उठाकर दिखाता हूँ, ये देखो, देख सकते हो ना यहाँ पे फॉइल ढीला हो गया, ये है इशू। और इससे तुम अपना बच सकते हो अगर तुम ये दो तीन टेक्निक्स जानते हो। तो बस आज की वीडियो सिर्फ फॉइल के ऊपर रैप करने के, और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि पिन करने के लिए, यानी फॉइल को पोक करने की वीडियो बनाई जाए। और होप कि आपको सभी को ये वीडियो लाइक लगी, बढ़िया लगी हो। तो अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट कर दो कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो ऑन की होल्स कैसे करें या कैसे ना करें, थोड़ा सा बेसिक में दोबारा वापस जा रहे हैं। पर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जाके दबा दो और बता दो कि हाँ भाई बनाए या ना बनाए। बनाएंगे तो सही है, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे पिन भी करें, तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और इसके अंदर भी हम वीडियो के डिटेल बताएंगे कि हाँ भाई कौन से पोकर, कौन से क्या नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू ऑल लाइक इट, सब्सक्राइब अगर नहीं किया, कमेंट अगर नहीं किया, लाइक अगर नहीं किया, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड एंड इट्स अ पीस ऑफ